हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज गाइस मैं आपको, जैसे भी पता होगा आपको कि मैं आज आपको माइनक्राफ्ट पे ऑटोमेटिक फार्म कैसे बनाते हैं वो बनाने सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो आप लोगों को ऑटोमेटिक फार्म बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होंगी उसको चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को ऑटोमेटिक फार्म बनाने में क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। सबसे पहले हमारा आता है पिस्टन, हमें 16 पिस्टन चाहिए होंगे और रेडस्टोन चाहिए होगा, फिर लीवर, सैंड, आप सैंड की जगह ग्रेवल भी यूज़ कर सकते हैं, और हमें चाहिए होंगे कुछ ग्रेवल स्टोन और वाटर। चलिए अब बनाते हैं और ले लेते हैं पिस्टन। सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पिस्टन, आप कोई भी पिस्टन ले सकते हैं, रेड वाला, ग्रीन वाला ले लीजिए या फिर वाइट वाला पिस्टन ले लेते हैं। तो हम लोग ले देते हैं यहाँ पे रेडस्टोन। सिंपली रेडस्टोन टाइप करके आपको रेडस्टोन मिल जाएगा। अब हमको लेना है यहाँ पे लीवर, अब हम लोग लीवर ले लेंगे। और अब हम लोग ले लेंगे कोई भी आप ब्लॉक ले सकते हैं, हमें यहाँ पे गॉगल स्टोन यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉबल स्टोन यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए गैस वीडियो बनाते चलिए गैस एक्सपी फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको 9 ब्लॉक्स ऐसे तोड़ लेने होंगे, 9 ब्लॉक्स। ये 9 ब्लॉक्स तोड़ लिए हमने। अब सिंपली 9 ब्लॉक्स आपको ये एक ब्लॉक गैप करके 9 ब्लॉक्स और तोड़ने हैं। अरे वो गलती से रख गया मेरा। अब हमें यहाँ पे 4 ब्लॉक छोड़ के एक दो सेट यार जो ग्रास ब्लॉक्स लेना है हमको। हमें यहाँ पे 4 ब्लॉक छोड़ के 1 2 3 4 सिंपली उस साइड भी हमें करना है। और यहाँ पे अब हमें 9 ब्लॉक्स तोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 ब्लॉक्स तोड़ने हैं, 9 नहीं। सिंपली इधर भी हम लोगों को तोड़ने हैं 8 ब्लॉक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 8। ये आपको दिख रहा होगा ये हो गया है। अब हमें यहाँ पे 3 3 ब्लॉक्स यहाँ पे तोड़ने हैं। इधर भी हमें 3 3 ब्लॉक्स तोड़ने हैं। अब हमें यहाँ पे इस साइड भी तोड़ना है। हमें यहाँ पे गॉगल स्टोन लगाने हैं।
उसके बाद अब ये जो पिस्टन लिए थे आपको लगाने हैं, और ध्यान रहे कि इसके साइड इसका ऊपर फेस होना चाहिए, फोर इधर और फोर इधर। सिंपली हमें इस साइड भी सेम टू सेम इस साइड भी करना है। ये करने के बाद हमें ये करके, चलो गाइस ये हो गया। अब ये करने के बाद हमें सैंड लेनी है, उसके बाद अब सैंड इसके ऊपर रख देंगे। सैंड सैंड हम लोगों ने बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि जब ये पिस्टन नीचे होंगे तो सैंड नीचे भी आ जाएगी, ऊपर ऊपर हो गए तो ऊपर आ जाएगी, इसलिए इस। और ये हमारा पानी रोकने का था। अब ये हमारा हो गया है। अब हम इन चारों सारे पिस्टन्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए रेडस्टोन। पहले ये तोड़ो, उसके बाद ये हुआ कनेक्ट। अब यहाँ पे लगा दो ग्रास ब्लॉक्स। ये हो गया। अब इस सिंपली इसी तरफ हम लोगों को इस तरफ भी इसी तरह करना है। बस ये कनेक्ट होने वाले हैं, बस अब ये सारे आपस में कनेक्ट अभी नहीं हुए हैं। अब हमें उसके बाद अब हमको इधर से खोदना हो, इधर से ब्लॉक्स हटाने होंगे इस तरफ। दो दो ब्लॉक्स अब इन सभी को, इसलिए हम ये कर रहे हैं ताकि ये सारे पिस्टन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। उसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे लाना है। अब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे एक लीवर प्लेस करना है, जैसा कि आप लोग, ये साइड ऊपर हो गई, अब इसी को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ग्रास ब्लॉक्स कनेक्ट कर दें ताकि ये हमें दिखे ना। यहाँ पे हम लोगों को लगाना होगा स्लैब्स। स्लैब्स कहाँ है, स्लैब्स 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 ये रहे स्लैब्स। आप लोग बस कुछ कोई भी लगा देंगे। उसके बाद अब गॉगल स्टोन लीजिए, एक इधर एक इधर। उसके बाद अब आप हो गया है। अब हमें यहाँ पे अब हो अब ये मेरा हमारा ऑटोमेटिक फार्म लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें बीच में वाटर भरना है। ले ले वाटर बकेट।
यहाँ पे वाटर हो गया है। अब हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए बस, ये देखिए, अब हमें आप इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग कुछ फेंस लगा देते हैं ताकि ये हमारा फार्म थोड़ा अच्छा दिखे। बस ये फार्म हमारा बन गया। अब हम इसमें फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि अब ये हमारा फार्म बन गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले हमें चाहिए हो और चाहिए सीड्स। सीड्स अब देखिए, बस इन सीड्स को लगाने के बाद आपको हमारी सीड्स भी लग चुकी हैं। ये मैं एक तरफ लगा दे रहा हूँ, आप दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। देखिए मेरा फार्म, अब देखिए कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अब मेरी ये पूरी फसल, मेरी ये पूरी सीड्स उग गई हैं, मेरे वीट तैयार हैं। तो मुझे जस्ट क्या करना है, सिर्फ मुझे ये लीवर ऐसे करना है, ये सैंड नीचे गिर जाएगी और सारा पानी बाहर आ जाएगा और पानी से सारी वीट कट जाएंगी। उसके बाद मैं जस्ट लीवर को फिर से दबाऊँगा तो ये वापस इधर आ जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेंगे। और सॉरी, ये एक ब्लॉक रह गया तो आप एक एक ब्लॉक कम करके बना लेना, कुछ होएगा नहीं फर्क, बस ज़रा सा भी। और सिंपली इसी तरह, इस तरफ भी आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। तो गाइस, अब मेरा ऑटोमेटिक फार्म तैयार है। आप भी माइनक्राफ्ट में इसी तरह ऑटोमेटिक फार्म आप अपने माइनक्राफ्ट में भी बना सकते हैं। तो टाटा, गुड बाय।